जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल, हमारे बीच उपस्थित महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल, महापौर प्रतिनिधि श्री दुर्गेश अग्रवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधि, नगरों कोरोना निवास जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवाल जी से, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी से, शासन के रीति नीति माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए महापौर प्रतिनिधि श्री दुर्गेश अग्रवाल जी से अनुरोध, जब आप महापौर मैं अनुरोध करूंगा मुस्कान ग्रुप के श्री जिलाधीश देवास, थैंक यू सो मच, देवास विधायक श्रीमद ज्ञाति राजे पवार जिनके नेतृत्व में उपस्थित होने जा रहा है, मुकेश अतिथियों के आशीर्वाद करूँ, बच्चों में किस तरह से डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसका ये प्रथम चरण और आशीर्वाद शुक्रिया। हमारे हर विकास कार्य में बिल्कुल अग्रणी पार्टिसिपेटर की लीड करने वाले विधायक हैं, जिलाध्यक्ष जी, मेयर प्रतिनिधि साहब, ममता सिंह बैठे सभी अधिकारीगण, एस डी आई फाउंडेशन के बधाई, हमारे गेस्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट मुस्कान ड्रीम्स के सीईओ साहब अभिषेक साहब और उनकी स्मृति और यहाँ उपस्थित बच्चों, सर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे एजुकेशन फील्ड में जो तीन मुख्य नवाचार हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा। सबसे पहले सर मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई थी, तो जब ये विकास यात्राओं की शुरुआत की गई थी उसी के साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन को और इन्वॉल्व करने के लिए साथ में कुछ अच्छा करने के लिए ज़िले में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य ये था कि हमारे पूरे ज़िले के हर एक मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम को माननीय विधायक मैंने उसके लोगों को इनॉग्रेट करके इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विकास यात्रा में हमें बहुत कुछ मिला और हमारे 1650 स्कूल थे जिसमें से शुरुआत के एक महीने में लगभग 300 स्कूल हमने कवर कर लिए, मतलब हमको बड़ा प्रोत्साहन मिला कि इसको आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ने बहुत हेल्प किया, स्पेशली आई वुड से सन फार्मा, बियर ब्लॉकर, इंडस्ट्री में बहुत सपोर्टिव है इसके बाद हर अच्छी एक्टिविटी में, ये CSR के माध्यम से हमारा बहुत हेल्प है। सर धीरे करते करते हम एंड में लगभग 1300 स्कूल हमने कवर कर लिए थे, जब लास्ट के हमारे 200 स्कूल बचे थे तब हमारा दो लोगों ने बड़ा हेल्प किया, एक बैंक लोन प्रेस ने और दूसरा मुस्कान ड्रीम्स और SBI फाउंडेशन ने मिलकर, इनकी वजह से हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो पाया। मतलब आज की तारीख में हम बड़ा हर्ष से कह सकते हैं कि आज हमारे 100% सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम है। तो इसके अलावा ये स्मार्ट क्लासरूम के अंदर डाइट के माध्यम से ही डिजिटल कंटेंट तैयार किया फ्रेम नहीं आ रही है और आज हमारे हर एक कक्षा के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए और हर एक पाठ के लिए बहुत अच्छा सीखता है सर। दूसरा, इसके अलावा एक कोडिंग का भी नवाचार माननीय विधायक मैडम के मार्गदर्शन में स्टार्ट किया गया था, ताकि हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे कल को जब पढ़ लिख लें तो उन्हें नौकरी ना मिले, तो कम से कम एक स्किल बच्चों के पास होना चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो बेसिक सब होता है HTML, React, Node.js, जिसकी वजह से बच्चा अगर वो सीख ले तो 400 घंटे के कोर्स के बाद वो अपने खुद से एक वेब एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है सर। तो उसकी शुरुआत की गई, मतलब आज इस पर आज चिमना भाई भी आया हुआ है सर, चिमना भाई भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ की बहुत सारी बच्चियाँ आसन कोडिंग सीख रही हैं और ये पूरे ज़िले में लॉन्च होता है सर। तीसरा, एक सर मेरी शाला संपूर्ण शाला का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है सर, जिसके अंतर्गत बेसिकली लास्ट टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब हम बोर्ड एग्जाम्स चालू हुए दोबारा से 5th and 8th के, तो जो हमारे छोटे बच्चे थे वो ज़मीन पर बैठ के बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनके पास तो हर जगह फर्नीचर है, लेकिन हमारे 5वीं के 8वीं के बच्चे सर, छोटे बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है सर। उसके संबंध में फिर सर ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत अगेन टारगेट वही था कि 1650 स्कूल में हमको फर्नीचर उपलब्ध करवा रहे हैं सर। दोबारा से सर हेल्प की गई इंडस्ट्रीज की और सर अभी हम लगभग 850 स्कूल हम कवर कर चुके हैं सर। लक्ष्य यही है कि आने वाले टाइम में और फरवरी 2025 जब हमारे दोबारा से बोर्ड एग्जाम होंगे सर, तब तक हम सारे के सारे जो बोर्ड एग्जाम के सेंटर बनेंगे वहाँ पर हम फर्नीचर उपलब्ध करवा सर। तो ये तीन बड़े इनिशिएटिव देवास जिले में चल रहे हैं सर विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सर। मंच के माध्यम से मैं दोबारा से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा मुस्कान ड्रीम्स का सर, ना केवल उन्होंने हमारे यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध करवाए हैं, जो कंटेंट इन्होंने उपलब्ध करवाया है वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता है, बहुत ज़्यादा उन्होंने बेसिकली कार्टून्स के फॉर्म में, एक एनिमेशन की फॉर्म में जो सिखाने का प्रयास किया है बच्चों। प्रोजेक्ट डिजिटल शाला के इस
बहुत ही गरिमापूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक पार्टी के बहुत ही वरिष्ठम नेताओं में और आज हमारी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विराजमान इस मंच पर हमें समय देते हुए ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, SBI से आए हुए सभी अधिकारीगण, महापौर प्रतिनिधि आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी, कलेक्टर साहब, SP साहब, सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण, सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय भाई साहब ने समय दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के क्षेत्र में इस कार्यक्रम के द्वारा उठाया गया है। हमारे प्रशासन के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में हम निरंतर प्रयास और प्रगति करते हुए जब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है जिससे हमारे, मैं आज देख रही हूँ कि मेरे सामने बेटियाँ ज़्यादा बैठी हुई हैं, बेटे भी हैं। आज बराबरी से अगर बेटियाँ और बेटे पढ़ाई में अग्रसर हैं, उन्हें पढ़ाई का विद्या ग्रहण करने का मौका अगर मिल रहा है, तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स, इन्हीं कदमों के कारण मिल रहा है, जिनके कारण हम निरंतर हमारे जिले में प्रगति कर रहे हैं। इस डिजिटल पाठशाला के माध्यम से मेरी विधानसभा में अकेले ही 90 जगह पे इन्होंने डिजिटल क्लासरूम देने का काम किया है। इससे पहले भी कलेक्टर साहब ने अभी आपको रिपोर्ट में बताया, हमने हर क्लासरूम में स्मार्ट TV देकर कहीं ना कहीं मदद की थी कि ये क्लासरूम डिजिटल हो सके। पर केवल TV देकर काम नहीं होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट सभी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कंटेंट भी देना ज़रूरी है, हमें वहाँ पर ऐसे टीचर्स भी देना ज़रूरी है जिनकी, जो प्रशिक्षित हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल एजुकेशन बच्चों को पहुँचाने के लिए। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए इस मंच से जो काम हो रहा है उसकी, उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि देवास में इस लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ना है तो हर एक छोटे शहर को शिक्षित होकर उभरना पड़ेगा। कि मुस्कान ब्रेन अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उन्होंने ग्वालियर से लेकर देवास तक की इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसलिए मुस्कान ग्रीन के CEO अभिषेक जी और SBI के फाउंडेशन के चेयरमैन जगन्नाथ साहू जी को हृदय से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र में यदि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति समर्पित और क्षेत्र के विकास में संलग्न रहते हैं और साथ में जिला प्रशासन भी नवाचार के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है, तो फिर निश्चित रूप से जिले में, विकास खंड में नए नए आयाम उपस्थित होते ही हैं। और मुझे इस बात का गौरव है कि गायत्री राजे पवार जी सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए वो पूरी तरह प्रयत्नशील रहती हैं और किसी के भी सहयोग की आवश्यकता हो तो वो सहयोग लेने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतती हैं और कोशिश करते हैं कि उनको कितना भी परिश्रम करना पड़े लेकिन मेरे डिजिटल सलाह के इस आयोजन में हम सब के मध्य विराजमान आपके क्षेत्र के लोकप्रिय और जन समर्पित विधायिका आदरणीय राजमाता गायत्री राज पवार जी,
हमारे SBI फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय जगन्नाथ साहू जी, वाइस चेयरमैन अमन जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, आदरणीय दुर्गेश जी, DM साहब, SP साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, सुभाष जी, दिलीप भाई और इस अवसर पर उपस्थित शिक्षा विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगण, आचार्यगण और प्यारे बच्चों,